पार्सल दे विच लास्ट टाइप रह गई अपने कोले टाइप नंबर 3। टाइप 3 दा मीनिंग आ व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन अदर देन लीनियर फैक्टर, जिथे सारे दे सारे फैक्टर लीनियर नहीं होणगे। क्वेश्चन देख लो, डिजोल्व 3x+7/x+3 मल्टीप्लाई x² + 1। इनू आपां पार्सल दे विच ब्रेक करना वा। x+3 अपने आप दे विच लीनियर आ, लीनियर तां अग्गे स्प्लिट हुंदा नहीं। x² + 1 लीनियर नहीं हैगा, बट अगर x² + 1 नूं आपां 1 दा स्केयर लिख सकते हैं, a² + b² दा कोई फॉर्मूला नहीं हुंदा, इस करके इन्हें स्प्लिट नहीं होना। अगर इहदी जगह ते माइनस हुंदा, फिर आपां a-b (a+b) दा फॉर्मूला अप्लाई करके इनू तोड़ सकते सीगे। इत्थे इन्हें स्प्लिट नहीं होना, फैक्टर लीनियर नहीं हैगा। ये लास्ट टाइप अपने कोले चैप्टर दी। डिग्री चेक कर लो, न्यूमीरेटर की डिग्री 1, डिनोमीनेटर जदों ओपन करांगे तो डिग्री 3 बन जूगी। नीचे डिग्री ज़्यादा वा, उपर डिग्री घट आ। प्रॉपर का क्वेश्चन लैट करके शुरू कर लेना वा। इत्थे भी लैट करन दे विच थोड़ा जिहा चेंज आ, जिवें टाइप नंबर 2 दे विच होया सीगा। जो चेंज आ वो सुन लो। लैट सारी स्टेटमेंट, x+3 तो लीनियर ही है भी, एक बारी आ रिपीट नहीं करता, तो a/ लिख लेना इनू। प्लस जेड़ा भी अपने कोले क्वाडैटिक फैक्टर होगा, क्वाडैटिक मतलब पावर 2 वाला, लीनियर तो बिना, जेड़ा भी लीनियर तो बिना होगा, उहदे वास्ते न्यूमीरेटर दे विच bx+c तुसी लैट करना वा, मतलब उपर लीनियर लैट करना वा। ये ध्यान रखियो, जेड़ा स्प्लिट नहीं होगा उहनू देखना वा। ये ना होवे कि स्प्लिट हो रहा वा ते आपां नहीं कीता होया, फिर सारा क्वेश्चन गलत आ। इत्थे x² + 1 स्प्लिट नहीं होना, इन्हें लीनियर च कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्वाडैटिक जिथे भी बचूगा, ये ना होवे जिथे क्वाडैटिक पिया वा, ध्यान रखियो जिथे क्वाडैटिक बचूगा उत्थे उपर तुसी लीनियर लैट करना। लैट करके चॉइस थोड़ी आ, दोनों पासे डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एलसीएम भी लै सकते हो, जिवें मर्जी कर लो। इत्थे मैं एलसीएम किया होया, डिनोमीनेटर दोनों पासे मल्टीप्लाई हो गए, दूजे का डिनोमीनेटर ए नाल मल्टीप्लाई हो गया, पहले तो दूजे नाल मल्टीप्लाई हो गया, दोनों डिनोमीनेटर आपस मल्टीप्लाई हो गए। देखो दोनों पासे डिनोमीनेटर सेम बन गया, इन्हों कैंसल करता। इस तो बाद जो बच गया वह नाम इक्वेशन नंबर 2। एक चीज़ का इतने होर ध्यान रखियो, कई स्टूडेंट गलती करते हैं, bx+c इतने सारा मल्टीप्लाई दे विच आ, कल्ला ये b नाल मल्टीप्लाई च नहीं हैगा, x+3 सारे नाल मल्टीप्लाई च आ। अगर ब्रैकटा पाउणियां भुल जाओगे तो क्वेश्चन सारा इस तो अगे गलत हो जाना। हुण आपां फाइंड करना वा a, b ते c, तीन फाइंड करने आ। तिना नूं फाइंड करन वास्ते तीन नंबर पुट करने पैणगे x दे। हुण देखदे आ किहड़े किहड़े पुट करिए। x+3 नूं 0 करन वास्ते आपां x नूं पुट कीता -3, -3 पुट करके इत्थे 0 बन जूगा। आ देखो बनिया होया वा, 0 जदों इधर मल्टीप्लाई होगा तां सारे दा सारा 0 बन गया। इहदे विच्चों आपां नूं a फाइंड हो जूगा, इफ एक नंबर लभ गया आपां नूं। बी ते सी रह गए। हुण सैकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड ही तुसीं हमेशा देखनी है। इस देखो एक होर आ x² + 1, एक्स नूं जो मर्जी पुट कर लो, x² + 1 ने कदे भी 0 नहीं होना, मतलब ये विच्चों नंबर नहीं मिलना आपां नूं, तां आपां नूं अपनी मर्जी नाल 2 नंबर पुट करने पैणगे। तुसीं कोई भी पुट कर लो 2 नंबर। मैं सब तो पहला 0 पुट किया वा, क्योंकि ईजी नंबर आ सब तो। यह 0 पुट करन दा एक होर बेनीफिट भी आ, 0 b नाल मल्टीप्लाई होके b वाली टर्म खत्म हो जाती है। एक्स नूं 0 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 दे विच, लैफ्ट साइड ते बच गया 7, इधर बच गया 0+1 × a, ओनली 1a, नैक्सट बन गया 0+3 होल मल्टीप्लाई b + 0+c।
जीरो प्लस थ्री का बन गया थ्री, बी जीरो नाल मल्टीप्लाई होके जीरो बच गया, जीरो प्लस सी का सी बन गया, सी मल्टीप्लाई थ्री, थ्री सी बन गया। जीरो पुट करन दा फायदा होया इक्वेशन चों बी वाली टर्म खत्म हो गई, बी फाइंड नहीं होया हले, बी वाली टर्म हट गई। सैवन इक्वल टू ए प्लस थ्री सी आ गया, ए लैफ्ट ते जाके माइनस हो गया, ए दी वैल्यू आपां नूं पहलां लभ चुकी आ, ए दी वैल्यू पुट करती, इहनूं सिंपलीफाई करके आपां नूं सी फाइंड हो गया। ए ते सी दोनों फाइंड हो गए, सिर्फ अपने कोले बी रह गया एक। हुण बी वास्ते आपां नूं एक नंबर होर पुट करना पैणा वा, अपनी मर्जी नाल कोई भी नंबर तुसीं पुट कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन दे विच एक्स नूं वन पुट किया होया वा, क्योंकि वन पहला यूज़ नहीं होया, एक्स नूं वन पुट करता इक्वेशन नंबर टू दे विच, इक्वेशन बन गई अपने कोले एक, टेन इक्वल टू टू ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी, ए फाइंड होया होया वा, सी फाइंड होया होया वा, तो ए ते सी वालियां टर्मां नूं लैफ्ट ते मैं भेजता, साइन चेंज हो गए, बी नूं रख लिया एक पासे, ए ते सी दी वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करता, बी फाइंड हो गया, ए बी सी सारे लभ गए, जदों सारे लभ गए जिथे लैट कीता सी उत्थे पुट करता इक्वेशन वन दे विच, ए अपना आंसर। ए बी सी फाइंड करना ही अपना काम आ, जो आपां लैट कीता उहदे अकॉर्डिंग ही चलना वा। एक होर क्वेश्चन आ चैप्टर दे विच, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, दस नंबर दे विच कई बार आउंदा वा पेपर च। रिजोल्व वन ओवर एक्स क्यू प्लस वन इन टू पार्शल फ्रैक्शन, डिग्री देख लो, न्यूमीरेटर दे विच एक्स है नहीं गा, एक्स की पावर जीरो वा, थले पावर तीन, उपर डिग्री घट आ, नीचे डिग्री ज़्यादा वा, प्रॉपर दा क्वेश्चन है। हुण डिनोमीनेटर दे विच कोई मल्टीप्लाई तो है नहीं गी, सारे का सारा एक ही फैक्टर है, ये सारे का सारा, इहनूं आपां तोड़न की कोशिश करते हैं। वन नूं लिखा जा सकता वा वन का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ वा, ये तुसीं नाइनथ क्लास दे विच पढ़िया वा, उहनूं आपां यूज़ करना वा। फॉर्मूला हुंदा वा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, फॉर्मूला अप्लाई करके अपने कोल दो फैक्टर बन गए। इस तो बाद एक फैक्टर तो लीनियर आ, इन्हें तो स्प्लिट होना नहीं, दूजा फैक्टर अपने आप दे विच क्वाड्रेटिक आ। क्वाड्रेटिक दी तुसीं मिडल टर्म स्प्लिट करते हुंदे हो, करके देख लियो इत्थे मिडल टर्म भी स्प्लिट नहीं होनी, तां इह फैक्टर लीनियर नहीं बनना, क्वाड्रेटिक दा क्वाड्रेटिक ही बचिया रह जाना, तो टाइप थ्री का क्वेश्चन बन गया है। तो उहदे अकॉर्डिंग आपां इहनूं फिर लैट कर लैंदे आ। लैट होल इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन, तो क्वाड्रेटिक दे वास्ते लीनियर लैट करना वा, इंटरचेंज कर सकते हो, लीनियर वास्ते कॉन्सटेंट लैट करना वा, क्वाड्रेटिक वास्ते लीनियर, लीनियर इस तो अगे सारा प्रोसीजर फिर उही फॉलो करना वा जिहड़ा पिछले क्वेश्चन दे विच कीता वा। राइट साइड ते एलसीएम कर देना, दोनों पासे डिनोमीनेटर कैंसल हो जाएंगे। इस तो बाद जो कुछ बच गया वो इक्वेशन कंप्लीट लिख लेनी है। राइट साइड ते एक अपने कोल एक्स प्लस वन आ, इहनू जीरो पुट करन वास्ते आपां एक्स नूं माइनस वन फिल कर कीता, इहदे विच्चों आपां नूं ए लभ गया। दूसरा हैगा वा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन, इहने जीरो कदे नहीं होना, चाहे तुसीं चैक करके देख लियो, कोई मर्जी नंबर पुट कर लो इहने कदे जीरो नहीं होना। फिर इत्थे आपां अपनी मर्जी कर लैंदे आ, मैं अपने वल्लों जीरो पुट करता एक्स नूं, जीरो पुट करन दा फिर सेम बेनीफिट होगा, बी वाली टर्म खत्म हो गई, इतों बी मल्टीप्लाई जीरो, जीरो बन गया। तुसीं एक अद्धा स्टैप इतों स्किप भी कर सकते हो, ये सारी कैलकुलेशन डिटेल च नहीं शो करनी। वन इक्वल टू ए प्लस सी बच गया, ए फाइंड किया होया, ए फिल कर दो, सी लभ जूगा, ए ते सी लभ गए, बी रह गया, उहदे वास्ते एक नंबर होर पुट करो माइनस वन ते जीरो तो बिना। मैं अपने वल्लों वन पुट करता, तुसीं कुछ भी कर सकते हो, एक्स नूं वन पुट किया, अपने कोल इक्वेशन बन गई एक नवीं, वन इक्वल टू ए
प्लस टू बी प्लस टू सी। इस इक्वेशन दे विच ए ते सी दी वैल्यू पुट कर देनी आ, उहदे विचों बी लभ जूगा। जदों ए बी सी सारे फाइंड हो जाणगे उस तो बाद विच अपनों पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर टू। टू वो इक्वेशन जिथे लैट किया वह ध्यान रखियो, जिथे लैट किया उत्थे ही पुट करना वा हमेशा। तुसी इत्थे भी छड सकते हो, फिर भी सही आ। मैं सिर्फ न्यूमीरेटर थोड़ा जहा सिंपलीफाई किया होया वा। न्यूमीरेटर के डिनोमीनेटर के थ्री आ, और थ्री नू कॉमन करता। पॉजिटिव टर्म पहला लिखती, नैगेटिव टर्म बाद चो लिखती। सिर्फ सिंपलीफाई किया, करना नहीं करना थोड़ी अपनी मर्जी आ। एक चीज़ का ध्यान रखियो होर थोड़ा जहा, लैफ्ट साइड सही करनी है हले, क्योंकि अपने कोले क्वेश्चन ए नहीं हैगा। क्वेश्चन एक्चुअल दे विच एह आ, आपां उन्हूं तोड़ के शुरू किया होया वा। लैट आपां किया वा ब्रेक करन तो बाद, पार्सल ने आंसर भी उहदे ही देना, बट एक्चुअल दे विच क्वेश्चन थोड़ा कोई होर आ। इत्थे तक थोनू कंप्लीट करना पैना वा। राइट हैंड साइड वाला ये पोर्शन कंप्लीट कर भी सकते हो, छड भी सकते हो। ये थोड़ा पार्शल चैप्टर कंप्लीट है।